नमस्कार खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खास और एक अच्छी खबर। छतरपुर शहर और नौगांव के युवाओं के द्वारा एक अच्छी पहल को देखते हुए आज के दौर की तकनीकों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से युवाओं का जो आकर्षण का केंद्र और उनका काम करने का तरीका है, आखिर किस तरह के उनके संबंध लोगों से बनते हैं और आखिरकार क्या उन्हें परिणाम और उसके नतीजे मिलते हैं, यह एक पूरी शॉर्ट मूवी के रूप में तैयार कर आदित्य फिल्म्स प्रोडक्शन के लोगों के द्वारा इस पूरी फिल्म को तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरी फिल्म में तकरीबन 50 लोगों की टीम ने सहभागिता दिखाते हुए छतरपुर शहर और जिले भर के तमाम ऐसी जगहों को भी दिखाया है जो अपने आसपास बुंदेलखंड की जगह हैं। ये बात है सन 1990 की, जब एक शहर में दो किरदारों ने जन्म लिया। वो कहते हैं ना, जहां दोस्ती होती है वहां टकरार भी होती है, मगर कौन जानता था ये टकरार इस हद तक जाएगी। जिस शहर में लोग इनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे, आज उसी शहर में लोग इनकी दुश्मनी के चर्चे किया करते हैं। सोच काफी दिनों से थी, मतलब शॉर्ट फिल्म बनाना है, मतलब करने का नजरिया था अपना टैलेंट और जो अपने यहाँ के क्षेत्र का टैलेंट है उनको आगे दिखाना, क्योंकि अब हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि कहाँ से। तो एक सबसे मैंने डिस्कस किया, अपनी टीम के साथ बैठा, तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ। मूवी में आपको एक लव ट्राइंगल भी मिलेगा और दोस्ती दुश्मनी की कहानी है, एक माइंड चेंज करने वाली कहानी है, अच्छी बॉलीवुड टच कहानी मिलेगी आपको देखने को। मतलब ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंडी है तो अपन बुंदेलखंडी जैसी कि अभी तक मूवीज देखते रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। पूरा बॉलीवुड टच अपन ने कोशिश की है, जो देव माए गाना खुद का म्यूजिक है, खुद का सब कुछ मतलब बनाया है, खुद के पूरा डिज़ाइन प्रोजेक्ट। मेरी टीम कम से 50 लोगों की है और टीम के लोगों की सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत है, लोकल के नौगांव के लोगों का सपोर्ट है, फाइनेंस की तरफ से भी लोगों ने सपोर्ट किया, जिससे जैसा सपोर्ट करते बना सबने उस हिसाब से सपोर्ट किया है। बाकी टीम में हर बंदी ने सबने मेहनत की है। आपके चैनल के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे काम को देखा जाए, सराहा जाए, मतलब आप पब्लिश करें, लोग उसका अपना रिस्पॉन्स दें, अच्छा दें बुरा दें, बट रिस्पॉन्स जरूर है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ खास खबरें और उनके नए अपडेट्स के साथ।